गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर सेकंड, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को लेकर रहेगा, उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन को, जो कि अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक है, उसी को लेकर अपन सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 1 था, उसमें अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अपने कौन कौन सी बुकें रहेगी और कितने पेपर होते हैं उसके बारे में अपन जनरल इंट्रोडक्शन किया था। आज अपन सेकेंड पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को लेकर रहेगा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आप 11th क्लास में लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ के आए और 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के आए। अब देखिए, आपके पास में कोई भी फंक्शन होता था, उस फंक्शन का अपन अवकलन 11th क्लास में अपन ने प्रथम सिद्धांत से किया था, जो कि कुछ स्टैंडर्ड अपने डिफरेंशिएशन निकाले थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, लॉगरिथमिक फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और अलजेब्रिक फंक्शन के। अब मेरी बात सुनो, अपन अवकलन पहले ज्ञात कर रहे थे, 11th में भी कर रहे थे, 12th में भी कर रहे थे, और अर्थात अपन यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन, वो तो अपन निकालना जानते हैं। तो ये फिर क्या आपके पास में एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों जुड़ गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन, इसकी कहाँ जरूरत पड़ी, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं और क्या रीजन हो जाता है जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ऐसी कोई कंडीशन होगी जब अपना डिफरेंशिएशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था, जो कि अपन 11th और 12th में पढ़ के आए, वो फेल हो जाता है, तभी तो अपन इसको यूज कर रहे हैं। भाई, अपन किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में कोई दिक्कत आ जाती है, तभी तो अपन रास्ता दूसरा अपनाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो कि आपके पास में अपन डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हैं, ऑर्डिनरी साधारण अवकलन, अब उसकी जगह अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन और पढ़ रहे हैं, तो ये पार्शियल क्या होता है, आंशिक अवकलन कहाँ यूज होता है, इसको लेकर अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी तक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं अवकलन के अंतर्गत, ठीक है, अवकलन के अंतर्गत अपन पढ़ते थे कि वाई है वो आपके पास में एक्स का फंक्शन है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो एक्स है वो वाई का फंक्शन है, या फिर y एंड x है वो t का फंक्शन है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो y है वो आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात जिसको अपन हिंदी में कहते हैं किसी के ऊपर निर्भर रह रहा है, खुद आपके पास में स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास में, मान लीजिए फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हो सकता है, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है लॉगरिथमिक, लेकिन फंक्शन किसके टर्म में होगा, x के टर्म में। तो यहाँ पर जो आपके पास में x है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। अब बात सुनिए, ये फंक्शन और इसमें आपके पास में x इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसका अपन साधारण डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, उसके लिए अपन जो साधारण अवकल गुणांक है वो d by dx यूज करते थे, ठीक है, और y, या फिर आप ऐसे कहते थे कि f dash x, या फिर d by dx और f of x, ये ऐसे यूज करते थे, और इसको बोलते हैं साधारण अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं? साधारण अवकल गुणांक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में बात करें तो बोलते हैं साधारण अवकल गुणांक। ठीक
ठीक है, जिसको अपन प्रथम सिद्धांत से भी करते थे और ट्वेल्थ में बाकी कई मेथड अपन ने डिस्कस किए थे। तो इसका अपन कैसे निकालते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन किया करते थे, ठीक है। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर का अपन जैसे करते थे तो ये होता डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। अब मेरी बात सुनिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत डिफरेंशियल करने के रूल वही रहेंगे, फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आता है वो देखेंगे। तो इनका आपके पास में क्या वैल्यू आती थी, 2x plus 2, और जो कांस्टेंट होता था उसका जीरो हो जाता था डिफरेंशिएशन, ठीक बात। ये इसका डिफरेंशिएशन अर्थात अपने पास में जो अपन कांस्टेंट है उसको अपन कॉमन ले लिया करते थे यदि किसी वेरिएबल के साथ में इंडिपेंडेंट के साथ में, और यदि इंडिपेंडेंट के साथ में नहीं है अलग से कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस जीरो होता था। तो अब अपने पास में ये फंक्शन तक अपन सीमित है, या टेन एक्स आ सकता है, लॉग एक्स आ सकता है, लेकिन यदि कुछ इस प्रकार का फंक्शन आ जाए, इफ फंक्शन मान लीजिए आपके पास में ऐसे लिख दिया मैंने कि शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन। अब देखिए एक शंकु है, मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। अब मेरी बात बताओ, जब अपन शंकु के आकार को चेंज करेंगे, इसका वॉल्यूम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि भाई मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसके वॉल्यूम में परिवर्तन करना, क्योंकि मैं आयतन का डिफरेंशिएशन करता हूं। यदि यहां डी करना पड़ता तो y में x के सापेक्ष क्या परिवर्तन आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, किसी भी बिंदु पर टेंजेंट को बताता है वो, अर्थात y का x के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेज हो रहा है उसकी स्लोप को बताता है। तो यहां पर देखिए इस आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो अब मैं बात बताऊं, यदि इसका आयतन चेंज हो रहा है तो आयतन कैसे चेंज हो सकता है, यदि मैं इसकी हाइट चेंज करता हूं तो भी आयतन चेंज होगा, और इसकी रेडियस चेंज करता हूं तो भी आयतन चेंज होगा। अरे भाई यदि मैं रेडियस पहले 3 है, 3 की जगह 4 रखूंगा तो आयतन चेंज होगा, और यदि आपके पास हाइट पहले 2 सेंटीमीटर है उसकी जगह मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूं तो भी आयतन चेंज होगा। अर्थात यहां पर हियर आपके पास में जो v है वो आपके पास में क्या है, डिपेंडेंट है, जो कि किस पर डिपेंडेंट है भाई, आयतन किस पर निर्भर कर रहा है, रेडियस और ऊंचाई पर। जो जो रेडियस और ऊंचाई चेंज होगी आयतन चेंज होगा, और r एंड h ये आपके पास में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप सुनो वेरिएबल्स, तो अब यहां पर अपने पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, आर भी आ गया और एच हाइट भी आ गया। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में निकालूं भाई, रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालूं या ऊंचाई के रेस्पेक्ट में। मेरे पास में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं लगाकर यहां पता कर सकूं कि नहीं इस इक्वेशन का तो अपन रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और कोई दूसरी इक्वेशन आएगी इसका हाइट के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा अपने पास कोई रूल भी नहीं है। तो अब अपनी बात यहाँ गाड़ी फंस गई, आपके पास में यहाँ गाड़ी अपनी फंस गई कि अब डिफरेंशिएशन करें तो किसके रेस्पेक्ट में करें, रेडियस के रेस्पेक्ट में करें या ऊंचाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि परिवर्तन दोनों आ रहा है, अर्थात जिसमें परिवर्तन आ रहा है वही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या सिर्फ और सिर्फ एक्स में परिवर्तन होने पर वाई में परिवर्तन होता था। मेरी बात सुनना, जब मैं एक्स का मान 1 रखता हूं तो वाई का मान कुछ आएगा, x का मान 2 रखूंगा तो y का मान कुछ और अलग आएगा, जैसे जैसे मैं x का मान परिवर्तित करता हूं y का मान परिवर्तित होगा। तो उस केस में x एक ही वेरिएबल था, अर्थात अपन ने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, लेकिन यहां पर यदि मैं रेडियस चेंज करता हूं तो भी आयतन चेंज हो रहा है, और यदि अपन ऊंचाई चेंज कर रहे हैं तो भी आयतन परिवर्तन हो रहा है। तो मैं डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालूं भाई, अपनी बात यहां अटक गई। तो इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए जो उस कंसेप्ट को लाया गया, इस बात को सॉल्व करने के लिए जिस कंसेप्ट को लाया गया उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन।
अर्थात आंशिक अवकल। अब कोई भी फंक्शन जब दो वेरिएबल का हो जाता है तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए जिस सिस्टम या जिस मेथड का उपयोग करते हैं उस डिफरेंशिएशन को अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक बात। अब देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी, ये इसका एंगल है। ठीक है, इसका एंगल ये ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये सी। तो इसकी भुजा सामने की सी, इसकी बी और इसकी ए। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का एरिया क्या होगा भाई, एक बटा दो बी सी इंटू साइन ऑफ ए, यही तो होता है। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो, यदि ये बी भुजा चेंज हो रही है तो भी परिवर्तित होगा, सी भुजा चेंज होगी तो भी परिवर्तित होगा, और यदि मैं एंगल ए को चेंज कर देता हूं तो भी परिवर्तित होगा। अर्थात हियर बी कॉमा सी एंड एंगल ए आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहे भाई, तो इस पद्धति को सॉल्व करने के लिए अपने पास में जो सिस्टम लाया गया, जो कॉन्सेप्ट लाया गया, तो वो उसका उत्पत्ति हुई है पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन कि जब कोई फंक्शन दो वेरिएबल का आ जाता है तो उसका अपन डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की सहायता से करते हैं। अब अपने पास में बात आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखिए आइए उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाऊंगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, एक डेफिनेशन लिख लो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मैंने अभी कहा कि दो फंक्शन, टू वेरिएबल का फंक्शन आ जाए उसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो अपन बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हिंदी में बोलते हैं इसको दो चरों वाले फलन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि अपन मान लेते हैं यदि टू वेरिएबल दो चर एक्स तथा वाई का मान अगर पुट करें, का मान देने पर एक चर जेड का एक निश्चित मान प्राप्त हो, एक निश्चित मान प्राप्त हो, जेड का एक निश्चित मान प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं आपके पास में, दो चरम वाले फलन कहते हैं। तो उसे दो वाला फलन कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या मैंने लैंग्वेज में कहा है, इसको मैं अदर वर्ड में क्या लिख सकता हूं कि आपके पास में कोई फंक्शन जेड है जो कि आपके पास में टू वेरिएबल एक्स और वाई का है। तो हेयर आपके पास में जो जेड है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहां पर आपके पास में x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये टू वेरिएबल का हो गया, अब कैसे हो सकता है, देखिए z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है, z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है ये x और y का एक युग्म आ गया, कपल आ गया। तो अब यहां हियर ये जो z है वो xy प्लेन में पर
प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान होगा। मैं एक्स और वाई की साइड वैल्यू जीरो रखूं, पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव रखूं, कुछ भी रखूं, ये फंक्शन जेड हमेशा डिफाइन होगा। हियर जेड इन एक्स वाई प्लेन इज एवरी कपल, या आपके पास में आपके एवरी युग्म कह सकते हो, एवरी कपल एक्स कॉमा वाई के लिए, यहाँ पर आपके पास जेड है जो कि एक्स वाई प्लेन में इज एवरी कपल आपके पास में इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये प्रत्येक युग्म के लिए आपके पास में क्या होगा, डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपके पास में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान या तो ए स्क्वायर के बराबर आ जाए, जब ए स्क्वायर के मान इसका बराबर आएगा तो इसका मान जीरो होगा, और यदि इससे छोटा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन जैसे ही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान ए स्क्वायर से बड़ा आ जाता है तो ये नेगेटिव आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंतर्गत अर्थात जेड है वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। अर्थात यहाँ पर आपके पास में एक्स वाई प्लेन में प्रत्येक युग्म एक्स कॉमा वाई के लिए परिभाषित नहीं है, ओनली फॉर किसके लिए परिभाषित है, जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर आए, उसी के लिए परिभाषित है। ठीक है, और ये प्रत्येक युग्म के लिए परिभाषित है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो फंक्शन हो गए टू वेरिएबल का, अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको लेकर बात करते हैं। तो देखिए, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की। साधारण अवकल गुणांक क्या था, ऑर्डिनरी डिफरेंस कोएफिशिएंट dy / dx। अब यहां पर क्या अपन dy / dx यूज करेंगे या उसकी जगह कोई दूसरा टॉपिक यूज करेंगे या सिंबल यूज करेंगे उसको लेकर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना टॉपिक रहेगा आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, आंशिक अवकल गुणांक। अब देखिए, साधारण अवकल गुणांक को अपन d by dx से रिप्रेजेंट करते थे। अब देखिए, मान लीजिए, माना z है वो आपके पास में x और y का फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं समीकरण मानता हूं एक, तो z का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है। देखिए, आंशिक अवकल गुणांक को पहले ध्यान रख लेता हूं, को कैसे रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कर ली, जैसे आपके पास जेड का कर रहे हैं तो कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स, और कई कई इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी कहते हैं। देखिए, इसको कर ली या डेल कुछ भी बोल सकते हो, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल एक्स या एफ लिख के नीचे एक्स, नीचे एक्स का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, मैं इसका सिंबल बता रहा हूं, इसको कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स लिख सकते हैं या del z upon del x, del f upon del x या f of x, इसका मतलब है f का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आप सुनिए, यदि ये प्रदर्शित करते हैं तो अब क्या वैल्यू आएगी, तो del z upon जो del x आएगा इसको अपन डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं या फिर एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसका जो मान आता है वो मैं प्रथम सिद्धांत से लिख रहा हूं। देखिए, प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने कहा था कि यदि आपके पास में ले एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन
then its derivative, then its derivative at x बराबर a is क्या होता है? देखिए f dash a बराबर लिमिट ऑफ s tends to 0 f of a plus s minus f of a upon h, ये होता है नहीं होता है, ये अपन पढ़ के आए 11th क्लास में, इसी डेफिनेशन का मैं यहां यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए f of a plus s, अब मैं क्या कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये होगा लिमिट ऑफ del x tends to 0, del x tends to 0 मतलब आपके पास में यहां पर स्मॉल s एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी, यहां पर del x है और उसकी जगह अपने पास फंक्शन आएगा f of किसके पॉइंट पर कर रहे हैं, a पर कर रहे हैं, यहां पर अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है यहां पर, पर्टिकुलर पॉइंट a पर है, यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, कोई भी x पर कर रहे हैं, तो x प्लस यहां पर h, h की जगह यहां क्या है del x, तो ये हो गया del x, ये a की वेरिएबल का फंक्शन था लेकिन यहां पर फंक्शन दो वेरिएबल का है, तो मैं x में कर रहा हूं, x में परिवर्तन होगा तो y में कोई परिवर्तन नहीं, माइनस f ऑफ a, तो ये हो गया f ऑफ x कॉमा y अपॉन नीचे x, तो s की जगह क्या है डेल्टा x, तो ये हो गया आपके पास में पहले। ठीक है, इसको अपन कहते हैं z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए, इसी प्रकार z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए del z अपॉन del y या अपन del f अपॉन del y लिख सकते हैं या फिर f ऑफ y लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब मैं परिवर्तन किस में ला रहा हूं, z में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ x एडिटिव रहेगा, परिवर्तन y में आ रहा है, तो f ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कॉमा y अपॉन डेल्टा y। ठीक है, इसको मैं समीकरण देता हूं 2 और इसको समीकरण देता हूं 3, ये तो z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक है, इसको कहते हैं आपके पास में प्रथम कोटि का आंशिक अवकल गुणांक, फर्स्ट ऑर्डर का, क्या है प्रथम कोटि का फर्स्ट ऑर्डर का आंशिक अवकल गुणांक है। अब मैं हायर ऑर्डर की बात करता हूं, एक बात और ध्यान दीजिए, अब इसमें हुआ क्या है, यदि अपन कांसेप्ट की तरफ जाएं तो एक्चुअली यहां x में परिवर्तन हो रहा है लेकिन y में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो आंशिक अवकल गुणांक है वो साधारण अवकल गुणांक जैसा ही है, लेकिन वहां पर अपन y को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो अब अपने पास में कॉन्सेप्ट आया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसमें तो परिवर्तन होता है, बाकी वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपन कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां नोट डाल के, जो कि अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए जेड का एक्स के सापेक्ष, जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक साधारण अवकल गुणांक जैसा ही है, साधारण अवकल गुणांक जैसा ही है ही है, यदि y को अस्थिर मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, ठीक है, और एक बात यहां ध्यान रखना, यहां मैं आपको बात बता देता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन कब एग्जिस्ट करती है, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, इफ लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए कि यहां पर आपके पास आगे लिख लेना, अगर सीमा विद्यमान हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, अगर सीमा विद्यमान
और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ना, अगर आपके पास में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अपन उसका आंशिक अवकल गुणांक नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए अपन कह रहे हैं कि जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक साधारण अवकल गुणांक जैसा ही है, यदि दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपन असर मान लिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार जेड का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक में आंशिक अवकल गुणांक में स्वतंत्र चर एक्स को असर या कांस्टेंट मान लिया जाए, कांस्टेंट मानते हैं। अब अपने पास में सामने बात आ गई कि जब अपन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो जेड यदि एक्स और वाई का फंक्शन है तो यदि मैं जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई को कांस्टेंट मानूंगा, और यदि मैं जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स को कांस्टेंट मानूंगा। उस केस में आंशिक अवकल गुणांक है वो साधारण अवकल गुणांक जैसा ही है, अर्थात जिस प्रकार मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालता था डी बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हाई ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के, उसी प्रकार मैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालूंगा, लेकिन उसमें अपन कांस्टेंट पहले से ज्ञात था, लेकिन इसमें जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपन कांस्टेंट मानेंगे। जैसे जेड एक्स और वाई का फंक्शन है तो जब मैं एक्स के सापेक्ष परिवर्तन करूंगा तो वाई कांस्टेंट, और जब वाई के सापेक्ष परिवर्तन करूंगा तो एक्स कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये बात अपनी हो गई यहां तक। अब अपन बात करेंगे कि ये तो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर है, अब अपन हायर ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे उसको लेकर बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया, अब अपन हायर ऑर्डर यहां लिखते हैं। तो देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए अब मैं क्या करता हूं, डेल बाई डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब जेड का एक्स के सापेक्ष पहले हो रहा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में वापस कर देता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर लिख सकता हूं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब मेरी बात सुनिए, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स जेड है, ठीक है, या एफ है, तो एफ में परिवर्तन किसमें हुआ, एक्स में परिवर्तन हुआ, तो बार एफ रहा, लेकिन अब डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल एक्स का कर रहे हैं, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स को पहले अपन ने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जहाँ एफ था उसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर ये डेल बाई डेल एक्स है आगे एफ है, यहाँ पर डेल बाई डेल है अंदर ये है, और इसको अपन क्या कहते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, तो इसकी जगह जो ये फंक्शन एफ है तो यहाँ एफ आया है। अब यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अपन एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इसका क्या वैल्यू आएगी, देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो गया समीकरण नंबर तीन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, और ये भी x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, इस प्रकार मैं और डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तो अपन यहां पर बात करते हैं, देखिए अब देखिए यहां पर लास्ट में लिख लेना, अगर सीमा विद्यमान हो, अगर आपके पास में लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, अब मैं लिखता हूं, देखिए डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी वाई डेल बाई डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई इंटू एफ ऑफ वाई,
क्योंकि f ऑफ y कौन सा है ये। अब मेरी बात सुनिए, जब tan y tan y f है तो ये आपके पास में आया। अब फंक्शन की जगह क्या है, f ऑफ y है, पहले f था उसकी जगह f ऑफ y आएगा। तो देखिए लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ y इनटू परिवर्तन किस में हो रहा है y में, तो x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ y x कॉमा y अपॉन डेल्टा y, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, अगर सीमा विद्यमान हो, इसको मैं समीकरण दे रहा हूं समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये तो पहले y में था फिर अपन ने y में किया, ये पहले x में था फिर अपन ने x में किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले x में और फिर अपन y में करें, अर्थात अपन ये निकाल दें कि del y del x into del f upon del y, अर्थात अपन del y del x into f of y निकालने जाए तो क्या वैल्यू आएगी। मतलब पहले जिसका अपन ने y के रेस्पेक्ट में किया है f of y, उसको अब अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x में, तो लिमिट क्या लगेगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, f of y में, या फंक्शन की जगह f y आएगा, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखनी जरूरी है। और परिवर्तन किस पे हो रहा है, x में, तो ये हो गया x plus डेल्टा x कॉमा y माइनस f of y into x कॉमा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। समीकरण नंबर 5, अगर सीमा विद्यमान हो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अपन डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते हैं भाई, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसको अपन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और इसको अपन लिखते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं, देखिए डेल टू एफ अपॉन पहले कौन सा है डेल एक्स, तो यहां डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार मैं आगे आपके पास में ये वैल्यू और एक और निकालता हूं कि जो अपने y का x के रेस्पेक्ट में, अब x का y के रेस्पेक्ट में मैं निकालता हूं, देखिए बात सुनिए, अपन कह रहे हैं del y del y into del z by del x, अर्थात इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि जेड का मान तो है आपके पास में एफ, तो अब इसको मैं क्या लिखता हूं डेल टू जेड अपॉन पहले डेल वाई के। अब मेरी बात सुनिए, कभी भी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आता है, मतलब जेड का पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, आप ऐसा मत कर देना कि पहले एक्स लिख रहा है पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें फिर वाई के, क्योंकि वाई ये कब लिखा है मैंने, जब पहले मैं एफ का वाई के रेस्पेक्ट में कर चुका हूं बाद में मैंने x के रेस्पेक्ट में किया है, और इसमें इसमें मैं पहले z का x के रेस्पेक्ट में कर चुका हूं बाद में y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसी को मैं लिख सकता हूं del y del y into f of x। तो देखिए परिवर्तन हो रहा है y में, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, और किस फंक्शन में, x के रेस्पेक्ट में, फंक्शन में x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f of x into x कॉमा y अपॉन डेल्टा y, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सर, अगर सीमा विद्यमान हो, ठीक है। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का। इसी प्रकार अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर और हायर ऑर्डर, जितने भी हायर ऑर्डर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उसके लिए लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी जरूरी है, यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी अपन इसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये तो था अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहां यूज होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि जब आपके पास में जेड है वो एक्स और वाई का फंक्शन गिवन होता है तो उसका अपन किस प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं।